डॉक्टरों ने प्रेस वार्ता की जहां डॉक्टरों ने बताया कि जिस प्रकार युवाओं के साथ बुजुर्गों में भी हार्ट प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी, जिसका मुख्य कारण स्मोकिंग के और अल्कोहल के साथ वातावरण में फैले प्रदूषण है, जिससे हृदय संबंधित बीमारियां बढ़ रही हैं। इसके साथ ही डॉक्टरों ने बताया कि जंक फूड और सही डाइट नहीं लेने की वजह से भी हृदय पर असर पड़ रहा है। उन्होंने आगे बताया कि लोग अपने खान पान में हरी सब्जियां और फल खाने पर सोते हैं और जंक फूड अल्कोहल से दूर रहने की बात कही है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। ये बीमारियां जो कि 60 इयर्स के बाद होती थी, आज हम अर्ली एजेस में 30-40 इयर्स की एज में भी युवाओं में देखते हैं कि हार्ट की दिक्कत होती है। उसका मुख्य कारण ये है कि हमारा लाइफस्टाइल बहुत रैपिडली चेंज हुआ है और इसमें हमारा इम्पॉर्टेंट है, स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा है लोगों को, उसके साथ हमारा डाइट भी कहीं ना कहीं हमारा अनहेल्दी हुआ है। ताकि उसके हिसाब से जैसे HDL कोलेस्ट्रॉल है, वो गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं उसके, उसका बड़ा होना अच्छा होता है, उसका कम होना बेकार है। लेकिन जो LDL कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल, जो कि धमनियों में जम जाता है, उसका बढ़ना खतरनाक होता है, जिसके कारण हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें फ्रीक्वेंटली, डिपेंडिंग कि आपको पहले से कोलेस्ट्रॉल है या फैमिली हिस्ट्री है, तो हमें कोलेस्ट्रॉल की जांच नियमित रूप से करानी चाहिए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपनी जो है दिनचर्या में एक्सरसाइज को इन्वॉल्व करें और स्मोकिंग को अवॉइड करें, स्मोकिंग ना करें। और अल्कोहल लोग कहते हैं कि थोड़ा लेते हैं तो स्वस्थ रहता है, लेकिन अब ऐसी कई स्टडी आ रही हैं जिसमें कोई भी लेवल जो है अल्कोहल का सेफ नहीं।